सर आज गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम लोग जो है वो ब्रश कर लेते हैं, अब जिम जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और व्यू देखो यार, कितना ज़्यादा सेक्सी हुआ सुबह सुबह का, तो ओ माय गॉड खतरनाक ही है। फाइनली हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कम्प्लीट। अब तो आज जो है ना एक्सरसाइज करके हालत ख़राब हो गई है, भाई की हालत खराब हो गई है, चलो दोनों की बराबरी। और भाई जो आज एक्स्ट्रा वेट उठा रहे थे, मैं सुबह ज़्यादा ही उठा रहे थे, तो अभी जो है वो घर के लिए चलते हैं। और आज जो है मैं पीनट बटर लेने वाला था, बट मैंने लिया नहीं, घर जाके पूछेंगे क्या बनता है। अभी फीस भी डिपॉजिट करनी है, मतलब फीस भी कल की नहीं है करवाई है, और अभी मेरे पास 600 रुपये थे बच्चों, उसका मैंने तेल डलवा दिया कल का, तो अभी घर जाके पूछते हैं। अभी घर में आया नहीं है, पापा वगैरह घूमने के लिए गए हैं ना। केसरिया तेरा इश्क है पिया है, बात में जोर है लगता है, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में। फाइनली सूरज आ चुका है और इतनी ज्यादा खुशी होती है सूरज को देख के, जैसे सुबह सुबह कुछ भी नहीं दिखता, मैंने व्हाट्सएप पिछले कुछ डाला हुआ है। तो फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं, तो मैं जिम में ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, घर पहुंच गया हूं। और आज तो जो है एक्सरसाइज करके ना दर्द हो रही है बहुत बाजुओं में, मुझे लगा मेरे को बोल रहा है। तो अभी जो है वो खाना वगैरह मनू डाइनो घूमे आए, आप घूमे आया कल? तो डाइनो का मुँह ऐसे बना होता है कि मैं तो घूम ही नहीं रहा हूँ, है ना, मैं तो घूम ही नहीं रहा हूँ भैया। चलो मम्मी कहाँ पे है? मम्मी जी क्या बना रहे हो सुबह सुबह? चने खाए हुए थे ना, चना समोसा, आपकी उसमें उसकी वजह से आज एक्सरसाइज ही नहीं करी हो रही थी जिम में, मतलब इतनी ज्यादा पेट में दर्द हो रही थी ना उस वजह से, जो चना समोसा होता है उस वजह से। तब बोलते हैं बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, और मैं जो वो कल भी खा गया, परसों भी, ऊपर से एक प्लेट नहीं दो दो तीन तीन प्लेटें, उस वजह से हो रही है पेट में दर्द। अब से वो छोड़ ही देना है खाना, अब से नहीं खाऊंगा मैं, ठीक नहीं है मम्मी? मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं सच में छोड़ दूंगा, अब से खाऊंगा ही नहीं। और केले तो मेरे को लगता है खत्म हो गया ना, खत्म हो गए हैं शायद, मैंने खा लिए थे कल, अब पापा से मंगवा देना आज ना। और क्या क्या बचा हुआ आने में कुछ भी दिख रहा है, सबसे लास्ट में अच्छा यहाँ पे है डाइनो, एले बिस्किट खाना। तो जन्नत देखिए कभी, ये जन्नत लगती है मेरे को सुबह सुबह, सुबह तो और ज्यादा सही लगता है, वाह खतरनाक वाली लोकेशन। ये मेरे बादाम आ चुके हैं, तो आज तीन ही बादाम है, एक मैं खा गया हूँ और साथ में दूध, मैं सोच रहा दूध वगैरह नहीं खाना। अब मैं बादाम को मम्मी अगर दूध के अंदर मिक्स कर दूँ फिर है? अगर बादाम को मैं दूध के अंदर मिक्स कर दूँ डाल के, फिर ग्राइंड करके होता है ना। तो मैं केले लेके आया था और आज इनका हाल देखो, ठीक नहीं तेरी ना। और जो दुकान वाले होते हैं उनके कैसे साफ रहते हैं, हमारे इनका क्या हो जाता है, तू करो इनको मम्मी क्या है इसमें देखो कुछ। तो जैसे ही मैं जिम से आया ना, उसके बाद मेरे को कॉल आ गई कि मेरी जो है एडमिशन का फॉर्म भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, और साथ में जो भर्ती भरवाई है मैंने उसका भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है सीन। तो उन्होंने मेरे को बुलाया साइबर कैफे में, मतलब कॉलेज के पास में, तो अभी कॉलेज के लिए जा रहा हूँ मैं, और मेरे साथ जा रहा है एक फ्रेंड मेरा, तो चलते हैं फिर देखते हैं क्या प्लान मिलता है, मतलब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, मेरे शायद आईडी का कुछ फॉरगेट हो गया है कि क्या। मैंने सोचा था आज पूरा दिन रेस्ट वगैरह करूँगा और अपना काम करूँगा, बट ऐसे आप पे ख़त्म नहीं होते हैं, क्या करें अब। तो मेरे साथ जा रहा है वो निखिल, वो खड़ा है सामने, आ जा यहाँ पे, ये आओ पर हेलमेट तो पकड़ा, ये आ जा परे से ऊपर को आ जा। हाँ जी धीरे तो चलानी, पर दे दो 100 रुपये देने तो ठीक है, निकलो ले आ, शर्माते बड़े हैं तुम लड़कियों की तरह हो रहे आने से, ले तो अपना हेलमेट लेके आ जाता ले, चल ठीक है भी इसको क्या है, चला तू लगा रहा है फोन में। तो हम लोग जो है वो कॉलेज पहुंच गए हैं और काम वगैरह भी कंप्लीट हो गया है, मतलब ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस एक आईडी थी जो मिस हो गई थी और उस आईडी की जगह दूसरी आईडी देनी थी, और इतने दूर दौड़ाया इन्होंने, है बस एक छोटा सा काम था, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, फोटोज वगैरह खींचते हैं अब यहाँ पे, वीडियोज वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे बैठ गया है पर दिख भी नहीं रहा है अब, तो इतना ज़्यादा अंधेरा है उस साइड तो दिख ही नहीं रहा है, तो
क्या लग रहा है तू मिस्टर बीन? चल अब क्या करना, क्या सोच रहा है? इतना ज्यादा काम करने के बाद हम लोग थक चुके हैं, आ जा इधर, हो रहा शर्मा क्यों रहा है? अच्छा दिख गया मेरे को क्यों शर्मा रहा, कौन आ गया? ओके फाइनली हम लोग पहुंच गए लेह लद्दाख। लेह लद्दाख एक्चुअली ये निकलने वाला, लेह लद्दाख जाना है, तो फिर उसके बाद ले तो फिर मैंने सोचा कि चलो जा आते हैं, तो हम कॉलेज से सीधा लेह लद्दाख के लिए पहुंच गए हैं। लेह लद्दाख नहीं यार, यहाँ पे कॉलेज के पास में मंदिर आना है एक, बाबा बालकनाथ का, वहाँ पे आए हैं हम घूमने के लिए, तो यहाँ पे रील्स वगैरह भी शूट करेंगे, फोटो शूट वगैरह करेंगे और माथा भी टेक लेंगे मंदिर में, और उसके बाद चलेंगे घर के लिए। और इसकी फ़ोटो खींचूंगा मैं स्पेशल पहले, तो क्योंकि यही लेके आया मेरे को ज़बरदस्ती। यहाँ पर हम लोग आराम से बाइक ला सकते थे यहाँ पर इस बंदे ने मना किया, सभी गाड़ियाँ जा रही है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ लाइफ में इस जगह, चलता है क्या हुआ तेरे को? चला मंदिर जाते हैं, तेरा रिश्ता था, तेरा रिश्ता था अगर तुम्हें मंदिर में जाके चाहे रिश्ता हो गया था, सच में कौन है लड़की कौन है इसका रिश्ता था, हो गया आज इसने खुलासा कर दिया इतना बड़ा, तो जो लड़कियां इसको पसंद करती है वो कृपया इसको अनफॉलो कर दे। तो यहाँ पे जो है हम लोग माथा वगैरह टेक के आ गए हैं, बट फोटोज वगैरह खींचना मना थी मंदिर में, तो हम कैमरा ऑन नहीं कर पाए। चल तेरी फोटोज खींचता हूँ यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, माइकल जैक्सन है, जस्टिन बीबर। तेरे को अपना फेसबुक का नेम रखना चाहिए, जस्टिन बीबर निखिल, जस्टिन बीबर चले हुए हैं। चल भाई साइड हो जाओ प्लीज, सेल्फी ब्रो, भाई सेल्फी, सेल्फी ब्रो, बिग फैन ब्रो, बिग फैन, बिग फैन ब्रो, सेल्फी ब्रो, सेल्फी भाई, सेल्फी, बिग फैन ब्रो, बिग फैन, सेल्फी प्लीज, स्माइल। तो आज हमें मंदिर में एकदम से आते आते कौन दिख गया? जस्टिन बीबर भाई, ये गाना बेबी ये भी गाना सुना दो भाई, भाई प्लीज भाई गला खराब है, कल गाऊंगा। तो हम लोग इस लोकेशन पे आए रील्स वगैरह शूट करने और फोटोज खींचने के लिए, इन्हीं ज्यादा सही लोकेशन है ना, मतलब जंगली जंगल है और यहाँ पे थोड़ी धूप भी कम है ना, और वीडियोज भी सही आ रही है, तो ये हो रहा है मेरी फोटोज वगैरह खींचे, पर क्या करें अभी थोड़ी देर में खींचते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे खींच लेता हूँ। ये हो रहा बाइक के ऊपर खींचे, बाइक के ऊपर इतनी ज्यादा सही नहीं आ रही, धूप पड़ रही है। फोटो शूट वगैरह हो चुका है हमारा कंप्लीट, और अब घर से आ रही है कॉल कि जल्दी घर आओ, तो इसके चक्कर में इतना ज्यादा लेट हो गए, क्या बताऊँ, अब घर चलते हैं फटाफट से, बहुत ज्यादा कॉल आ रही है। कितना टाइम लग जाएगा घर पहुँचने? आधा घंटा, 20 मिनट, जहाज है हमारे पास 20 मिनट। इस बंदे की यहाँ भी फोटो खींचो, जहाँ भी देखो उधर फोटो खींचने रुकवा रहा है, बट चलना नहाने, मजा आ जाएगा नहाने का, कसम से मजाक नहीं, बाइक ही धो देते हैं नीचे जाके। तो मैं जो वो घर में पहुंच गया हूँ, और मैं उसको अकेला छोड़ के आ गया, मतलब वो गया था सामान लेने के लिए, और मैं सोचा लेट हो रहे हैं, अब मैं निकलता हूँ घर को, और वो अकेला रह गया वहाँ पे ही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग डॉन, गुड मॉर्निंग। चल डाइनो कहाँ कहाँ घूमे बाबा? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, लोग खतरनाक वाली वीडियो में।